हेलो फ्रेंड्स दिस सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट स्टडी इंडिया पे तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की अगर बात की जाए तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को

किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक विजुअल सिग्नल में चेंज कर देते हैं तो इनको काफी अच्छे तरीके से लैब्स वगैरह में यूज किया जाता है तो जनरली किसी भी लैबोरेटरीज वगैरह में जाएंगे तो हमें ये सीआरओ जरूर देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि जब भी हम किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या कुछ भी आ, कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो वहां पे हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं सीआरओ का तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये प्रोड्यूस कर देता है या चेंज कर देता है विजुअल सिग्नल में और विजुअल सिग्नल में कैसे चेंज करता है दैट इज अगर हम देख सके तो ये सीआरओ का एक इमेज लगी हुई है यहाँ पे और ये एक स्क्रीन होती है और इसी स्क्रीन पे हमें वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता रहता है जिस भी तरीके का हमने इनपुट प्रोवाइड किया है तो इस सीआरओ की अगर बात की जाए तो सिंपली सीआरओ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें चेंज कर देता है विजुअल सिग्नल में दैट इज ये सीआरओ इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है अब अगर हम इनके वर्किंग की बात करें तो इनका वर्किंग जो है मेन वर्किंग इलेक्ट्रॉन गन प्रो है या हम स्केथोडरे ट्यूब बोल सकते हैं ये इस तरीके से वर्क करता है कि इलेक्ट्रॉन गन इन में लगी होती है और ये इलेक्ट्रॉन गन एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके इस स्क्रीन को जो लगी होती है उसको स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इन स्क्रीन को स्ट्राइक करेगा एक स्पॉट एक विजुअल स्पॉट जो है हमें दिखाई देने लग जाती है स्क्रीन पे तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं का या सिग्नल्स का। तो इट वर्क बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन गन टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्क्रीन अब इनकी अगर हम बेसिक कॉम्पोनेट्स की बात करें कि ये जो ऑसलोस्कोप है उनके बेसिक कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं तो कैथोड्रे ट्यूब जो है इनका मेन कॉम्पोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए साथ ही साथ कुछ और भी कॉम्पोनेंट जो है इनमें हम यूज करते हैं तो नेक्स्ट हम देखें कि इनके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं तो इनके मेन कंपोनेंट्स की बात करें दैट इज जो सीआरओ होते हैं उनके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो सबसे पहला जो बोला कि जो मेन कंपोनेंट होगा जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए या जो इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस करेगा जो फर्दर स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक कराएगा वो है हमारा कैथोड रे ट्यूब जिन्हें हम abbreviate करते हैं एज के नाम से साथ साथ ही इनमें और क्या लगी होगी इनमें लगा होगा टाइम बेस सर्किट और ये टाइम बेस सर्किट स्वीप सर्किट के भी नाम से जाना जाता है और कुछ डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगे होंगे डिफ्लेक्शन वोल्टेज एम्प्लीफाइड्स लगे होंगे जो कि इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर अलग अलग डिरेक्शन में डिफ्लेक्ट कराएंगे और साथ ही साथ इनके कॉम्पोनेट इस सीआरओ में लगे रहेंगे जैसे हम देख सकते हैं कि पे ये तो हमारा कंप्लीट कैथोड रे ट्यूब हो गया और इस कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कराएगी फर्दर ये इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस हुए जाके स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे तो इनका मेन कंपोनेंट तो सीआरटी हो गया साथ ही साथ यहाँ पे आ, डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं जो कि डिफ्लेक्ट कराएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन बीम्स को और टाइम बेस जनरेटर जो कि स्वीप जनरेटर और भी अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं और ये सब मिला के क्या बनाते हैं सीआरओ तो एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ की बात करी जाएगी तो ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ हो गया जिसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम सीआरओ को किन किन कंपोनेंट्स को यूज करके बनाते हैं अब हम स्टडी करेंगे किस तरीके से इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है तो शुरू करेंगे कैथोड रे ट्यूब के बारे में तो कैथोड रे ट्यूब सिंपली क्या होता है कैथोड रे ट्यूब जस्ट एक वैक्यूम ट्यूब है एक ट्यूब बना होता है जो कि एक स्पेशल जोमेट्रिकल शेप का होता है लाइक एक हम इनके शेप के बारे में बात करें तो एक इस तरीके की शेप का एक वैक्यूम ट्यूब होता है अब इसमें ट्यूब में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है तो इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है तो इलेक्ट्रॉन गन क्यों लगी है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो सके तो इट इज हार्ट ऑफ मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं हार्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप जैसे कि जनरली हम अपनी भी बॉडी की बात करें तो अगर हमारा हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा तो क्या होगा हमारी लाइफ एंड हो जाएगी इसी तरीके से जब सीआरओ की बात करी जाती है तो सिंस दैट इज कैथोड रे ट्यूब भी एक ऐसी कंपोनेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए इनविजिबल विजिबल फॉर्म्स के लिए इस वजह से रे ट्यूब को हार्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप बोला जाता है फर्दर अगर हम इनके जस्ट और देखा जाए कि इन रे ट्यूब में किन किन कॉम्पोनेंट्स का यूज किया जाता है तो ये जो रे ट्यूब होते हैं

तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम यहां से प्रोड्यूस होती है ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है जाके स्क्रीन को स्ट्राइक करती है और इस तरीके से स्ट्राइक करती है कि जहां पे भी ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगी वहां पे एक स्पॉट क्रिएट कर देती है वो इसी तरीके से फर्दर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग फर्दर ऐसे स्पॉट्स बनाते जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा विजिबल वेव फॉर्म स्क्रीन पे एक वेव फॉर्म विजिबल हो जाएगा वो हमें दिखाई देने लग जाएगा अगर हम इनके थ्री बेसिक पार्ट्स की बात करें जो हमारा कैथोड रे ट्यूब है उनको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो थ्री बेसिक पार्ट्स इनके जो होते हैं वो तो हो गया सबसे पहला एक इलेक्ट्रॉन गन क्योंकि वही जो है एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रोड्यूस करेगा फर्दर इसके आगे एक डिफ्लेक्टिंग सिस्टम लगा होता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगे होते हैं हॉरिजोटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स तो ये तो इलेक्ट्रॉन गन हो गया फर्दर इस पार्ट में क्या लगा होता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगे होते हैं और ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कराते हैं एंड लास्ट जो इनका बेसिक पार्ट है वो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन तो यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी होती है तो किसी भी स्क्रीन है जस्ट उनको क्या कर दिया गया है उनको पॉलिश कर दिया गया है किसी एक फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ में तो इसलिए उस स्क्रीन को क्या बोला गया फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोला गया तो इस तरीके से सीआरटी जो है बना होता है अब अगर हम देखें कि, कि किस तरीके से ये बेसिकली फंक्शन करते हैं तो उनकी बात अगर हम कर दें तो अब देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन असेंबली क्या है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली की अगर हम बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली है द अरेंजमेंट ऑफ यह प्रोड्यूस अ फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गन तो यहां पर क्या है एक इलेक्ट्रोड का बनाया गया है क्या अरेंजमेंट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड विच प्रोड्यूस फोकस्ड बीम तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन लगाई गई है जहां पे सिंपली क्या होता है एक कैथोड लगा होता है एक कह सकते हैं कि इस तरीके का गन है एक कैथोड लगा हुआ है और इसके बाद एक ग्रेड लगी होती है ये क्या हो जाती है ये ग्रिड हो जाती है ये क्या है कैथोड है तो इस तरीके से ये कैथोड यहाँ पे लगाया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो सके तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है वो क्या करती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रॉन के बीम को इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस कर देती हैं। उसके बाद क्या होता है अगर हम पूरे कंप्लीट इतने दूर की बात करें ये कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली है तो यहां पे क्या लगा होता है एक फिलामेंट लगा होगा वही कैथोड लगा हुआ है उसको जब हीट किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट होंगे और इजेक्ट आउट होंगे तो हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन बीम को यहां पे ले जाके स्ट्राइक कराना है तो इस तरीके से करना होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो वो फर्दर आगे मूव करें तो इसके लिए यहां पे एक ग्रिड लगी होती है ऐसे करके एक ग्रिड लगी होती है और ग्रिड के बाद अनोड लगा होता है तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इट इजेंशियली कंजिस्ट ऑफ एन इनडायरेक्टली ही कंट्रोल ग्रिड फोकसिंग एनोड एंड एन एक्सिलेटिंग पोटेंशियल रखा जाता है, का का काम क्या होता है? जो होता है वो कंट्रोल कर सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट किया जा सके आखिर फर्दर आगे जो है पास करा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है कौन ग्रिड तो ग्रिड जो है इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है या इलेक्ट्रॉन बीम्स को कंट्रोल करता है उनके नंबर को कंट्रोल करता है इस वजह से ग्रिड यूज की जाती है क्योंकि समवाट हमें जितनी जरूरत होगी जिस तरीके का वेवफॉर्म है उतने ही हमें एक प्रॉपर अमाउंट uh, में इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी तो वही ये जो है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को कंट्रोल करता है ये ग्रिड फर्दर आगे हमारे एनोड्स लगे होते हैं अनोड का काम क्या होता है अनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है क्यों क्योंकि जब एनोड समवर्ट इस तरीके से अगर एनोड लगे हुए हैं एक सिलेंड्रिकल्स आई है अब अनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है इस एनोड से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है या अनोड जो है इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने लग जाएगा और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो एक हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है तो ये तो बात हो गई अनोड की तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गन की असेंबली की जाती है दैट इज एक इलेक्ट्रॉन गन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ ग्रिड क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है फर्दर अनोड लगे होते हैं जो कि उनको एक आ, कह सकते हैं कि एक प्रॉपर फाइन बीम में चेंज करते हैं और उसको उस बीम को एक्सेलरेट करते हैं ताकि हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जाके स्क्रीन को हिट करें तो इस तरीके से हम इन्हें आगे बढ़ा देंगे अब इनके बाद में क्या लगा होता है डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली होती है यहां पे डिफ्लेक्शन ये जो कंप्लीट है ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगे हुए हैं तो इस डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली में दो तरीके के प्लेट्स लगे होते हैं एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट लगा होता है एंड एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट लगा होता है अब अगर हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टली जो है चेंज कराएगा या डिफ्लेक्ट कराएगा दैट इज कह सकते हैं कि दो ऐसे प्लेट्स लगे हुए हैं दो ऐसे प्लेट्स लगे हुए हैं अगर तो इनके बीच से अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो ये प्लेट क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करा देगा अब कैसे डिफ्लेक्ट कराता है तो मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट हमारा अब इलेक्ट्रॉन को अगर हमें टुवर्ड्स दिस साइड डिफ्लेक्ट कराना है तो ये वाला जो प्लेट है उन्हें हम पॉजिटिवली या कह सकते हैं जो एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इनको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे तो जब इन्हें पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाएगा इस वाले प्लेट को तो इन दो प्लेट्स के बीच से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है पास कर रही है वो टुवर्ड्स दिस प्लेट डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स दिस साइड वेर एज अगर हमें डिफ्लेक्शन कराना है इलेक्ट्रॉन का दिस साइड तो इस वाली प्लेट को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारी टुवर्ड्स दिस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन का काम वेर अगर हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स की बात करें तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हमारे इस तरीके से होते हैं और इनके बीच से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है इलेक्ट्रॉन फ्लो की फिर से अगर हमें ऊपर के टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कराना है तो ऊपर वाले प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे और अगर नीचे वाले साइड में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कराना है तो नीचे वाला जो प्लेट है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और दो वर्टिकल प्लेट्स को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिफ्लेक्ट करा सकते हैं अलग अलग डिरेक्शन में तो ये तो हो गई सेकेंड मेन इनका पार्ट अब थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है हमारा स्क्रीन का तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन की अगर हम बात करें तो स्क्रीन ये तो हमारा वैक्यूम ट्यूब हो गया इसकी जो इनर साइड होती है वही हमारी स्क्रीन की तरह वर्क करती है और उन्हें हम किसी दैट इज इस स्क्रीन के इनर साइड को हम किसी फ्लोरिस मटेरियल के साथ कोट कर देते हैं दैट इज जिंक जिंक सल्फाइड सिलिकेट इन किसी भी फ्लोरिसेंट मटेरियल से हम इन्हें कोट कर देते हैं देन ये क्या होता है जब भी उसके बाद कोई भी एक हाई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन जाके अगर इस स्क्रीन को इंसिडेंट करता है तो क्या होता है एक लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो जाती है एट वेयर एट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट जहां भी इलेक्ट्रॉन ने जाके इंसिडेंट किया है स्क्रीन को वहीं पे एक लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो जाती है तो ये तो होता है सीआरटी की फंक्शनिंग या वर्किंग की किस तरीके से सीआरटी को असेंबल किया गया एंड फंक्शनिंग उस सीआरटी की क्या है तो सीआरटी मेनली हम लोगों ने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि सीआरटी को क्या कहते हैं हार्ट ऑफ ऑसिलोस्कोप और मेनली सारे ही या कह सकते हैं सीआरटी ही मेनली रिस्पांसिबल है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए बाकी तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो उनके कह सकते हैं कि वेवफॉर्म को एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड वेवफॉर्म में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं अब अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें कि जो ब्लॉक डायग्राम है इनका सीआरटी का या एक चीज और देखें कि सीआरटी uh, में ही कैथोड ट्यूब में ही कि जो इनका ये वाला पार्ट होता है सीआरटी के का जो ये वाला सेक्शन होता है हमने ये तो देख लिया कि इसको क्या बोलते हैं ये हमारी स्क्रीन बन जाती है ये हमारी स्क्रीन बन जाती है फ्लोरसेंट स्क्रीन बन जाती है अब जो इनका ये वाला साइड है जो स्लैंटेड है कॉनिकल सा कॉनिकल सरफेस है इनका उन्हें हम एक्वाडॉग बोलते हैं एक्वाडैम तो इनको भी क्या किया जाता है एक प्रॉपर इस तरीके से कोटिंग की जाती है और इनको कनेक्ट कर दिया जाता है ये इंटरनली एनोड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं इससे क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से पास कर रही है तो बहुत सारे ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे या कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे चले जाते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है तो क्या होता है कि ये जो साइड है उसको अनोड से कनेक्ट किया जाता है तो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्वाड एग जो लगा हुआ है अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे अनोड पे जाके ये कनेक्टेड होते हैं इंटरनली तो अनोड पे जाके ये क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के पास पहुंच गए उनको वापस से खत्म कर दिया जाता है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो ये तो बेसिकली सी आर का फंक्शनिंग हो गया तो अब हम देखते हैं सीआरओ के ब्लॉक डाइग्राम को तो सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करी जाए तो मान लिया कि हमें किसी भी तरीके की इनपुट सिग्नल को हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन उनका करना है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एक इनपुट सिग्नल लिया है वो एक साइनोसॉइडल फॉर्म का इनपुट सिग्नल है जिसे हमें विजुअली रिप्रेजेंट करना है स्क्रीन पे तो अब ये जो इनपुट सिग्नल है उनको फीड किया जाता है सबसे पहले वर्टिकल एम्पलीफायर पे तो वर्टिकल एम्पलीफायर पे फीड कर दिया अब ये जो वर्टिकल एम्पलीफायर है अगर मान लेते हैं कि हमारा इनपुट सिग्नल वीक है स्मॉल है तो उनको थोड़ा सा वो थो एम्पलीफाई कर देता है फिर इन एम्पलीफाइड इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड किया जाता है या फीड कर दिया जाता है डीले लाइन में अब डीले लाइन क्या करता है थोड़ी सी डीलेइंग प्रोवाइड कर देता है थोड़ा सा डीले कर देता है इन इनपुट सिग्नल्स को और इस डीले लाइन से पास होते हुई जो हमारी इनपुट सिग्नल होती है उसको दे दिया जाता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को दे दिया इन वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को बहुत बार एक्स प्लेट के भी नाम से जाना है। क्यों? सकते है। हैं अमारे किसको? अमारे जो है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को फीड कर दिया अब जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अप एंड डाउन जो है Deflect कराता है। तो हमारा इस तरीके से लगा हुआ है अब इसके के बीच से पास हो रहा है, तो वो क्या करेगा करेगा डाउन तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या देखा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होते हैं सिर्फ अप एंड डाउन इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करा सकते थे बट सिर्फ अप एंड डाउन डिफ्लेक्शन की वजह से तो जिस भी तरीके का हमें इनपुट चाहिए विजिवल फॉर्म में वो हमें मिलेगा नहीं तो इसके लिए एक और तरीके की जो सिग्नल है उसको प्रोड्यूस किया जाता है और उस प्रो उस नए सिग्नल को इन इनपुट सिग्नल के साथ में सिंक्रोनाइज किया जाता है तो नए सिग्नल की बात कर लेते हैं तो एक जो हमारा इनपुट सिग्नल था उसको क्या देखा कि उसको एम्पलीफाई किया डीले लाइन से पास कराया और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को हमने दे दिया वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट हमारा सिर्फ अप एंड डाउन इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा अब इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा कैसे क्योंकि जिस भी तरीके का सिग्नल था हमने उस सिग्नल हिसाब से, जो कर रही है, उनको अपने से करता जाएगा। तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है यहां पे कुछ पोटेंशियल है तो ये इलेक्ट्रॉन उसी के अक्रॉस उसी पोटेंशियल के अक्रॉस अप एंड डाउन जिस भी तरीके से डिफ्लेक्ट करना होगा वो करेगा अब क्या देखा जाता है साइड वाइज अगर हमें रिफ्लेक्शन कराना है तो वर्टिकल एम्पलीफायर से एक सिग्नल को एक ट्रिगरिंग सर्किट को दिया जाता है ट्रिगरिंग सर्किट को दिया जाता है ट्रिगरिंग सर्किट क्या करती है ट्रिगर कर देती है स्टार्ट कर देती है एक सर्किट को और ये ट्रिगरिंग सर्किट कह सकते हैं कि टाइम बेस जनरेटर को ट्रिगर प्रोवाइड करती है टाइम बेस जनरेटर को स्वीप जनरेटर भी कहा जाता है तो ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर या स्वीप जनरेटर होता है वो एक नए तरीके के सिग्नल को जनरेट करता है और ये जो नया सिग्नल है उसको हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को दिया जाता है और फर्दर उस टाइम बेस जनरेटेड से जो हमारी सिग्नल मिली है उसको हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्ट कर दिया तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स प्लेट काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को साइडवाइज डिफ्लेक्ट कराना हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को साइडवेज हमारा डिफ्लेक्ट कराना तो क्या देखा जो भी हमारा इनपुट सिग्नल था उसको हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को दे दिया तो ये जो वोल्टेज था वो इलेक्ट्रॉन को अप एंड डाउन डिफ्लेक्ट कराएगा और जो हमारा स्वीप जनरेटर था या जो टाइम बेस्ड जनरेटर था वो इलेक्ट्रॉन को साइड वेज जेनरेट डिफ्लेक्ट कराएगा तो यहां से क्या हुआ अप एंड डाउन और इधर से साइडवाइज तो इनके प्रॉपर दो अलग अलग सर्किट गए एक तो इस तरीके के सिग्नल और जो हमारी टाइम बेस्ड सिग्नल होती है वो हमारी सिग्नल होती है सम वर्ड वेव टाइप की इस तरीके की आगे हम देखेंगे किस तरीके की वेव होती है तो इनकी इन दोनों की प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन से हमारा जो रिक्वायर्ड इनपुट होता है क्योंकि यहां पे साइडवेज और अप एंड डाउन दोनों ही तरीके से हमें डिफ्लेक्ट कराना है तो इन दोनों की प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन दैट इज जो इनपुट सिग्नल जा रहा है वो और टाइम बेस्ट जनरेटर की वजह से जो सर्किट से जो सिग्नल मिल रहा है उन दोनों की के सिंक्रोनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जो भी रिक्वायर्ड तरीके की वेब फॉर्म है उस वे में हमारा डिफ्लेक्ट करेंगी और स्क्रीन को जाके इंसिडेंट करेगी स्क्रीन हमारा फ्लोरसेंट स्क्रीन है जहां भी ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जाके उसको हिट करेगी वहां पे एक स्पॉट प्रोड्यूस हो जाता है और वही स्पॉट हमें स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है तो यही है इनका प्रॉपर फंक्शनिंग तो इस ये हो गया हमारा सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम और हमने इससे प्रॉपर फंक्शनिंग देख लिया इनका ऑपरेशन देख लिया कि किस तरीके से ये सीआरओ वर्क करते हैं अब टाइम बेस सर्किट की बात करें या जो स्वीप सर्किट थी हमारी उसकी बात करें तो टाइम बेस क्या है ये एक ऐसी सर्किट है जो कि जेनरेट करती है एक सॉटूथ वेवफॉर्म वेब फॉर्म को तो अ टाइम बेस इज सर्किट विच जनरेट अटूथ वेब फॉर्म शॉर्ट टूथ वेब फॉर्म क्यों बोला गया क्योंकि ये समर्ट एक इस तरीके की वेब फॉर्म प्रोड्यूस करती है और इस तरीके की वेब फॉर्म को हम नाम क्या देते हैं सॉटूथ वेब फॉर्म अब सॉटूथ वेब फॉर्म क्या है कि ये जो है वेब फॉर्म वो लीनियरली थोड़े टाइम तक इंक्रीज करेगा तो सम एक इस तरीके का वोल्टेज हम प्रोड्यूस करेंगे कि विद टाइम ये वोल्टेज इंक्रीज करता जाए लीनियरली एक सर्टेन टाइम पे जाने के बाद ये फिर से वापस जीरो पे आ जाए फिर से वापस जीरो पे आ गया फिर से सर्टेन उतने ही टाइम के बाद फिर से उसी टाइम तक के लिए इंक्रीज कर ले लीनियरली एंड फिर से वापस क्या हो जीरो पे आ जाए और ये इसी तरीके से रिपीट करता रहे तो ये एक इस तरीके के सर्किट जो हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर था जो हमारा टाइम बेस जनरेटर था वो एक इस तरीके की सर्किट को प्रोड्यूस करता है जनरेट करता है एक इस तरीके के सिग्नल को और इस सिग्नल को जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है इस सिग्नल को हमारे इनपुट सिग्नल के साथ क्या किया जाता है सिंक्रोनाइज किया जाता है सिंक्रोनाइज किया जाता है और उसके प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हमारा रिक्वायर्ड वेब हमें देखने को मिलता है स्क्रीन पे अब ये जो टाइम होता है जब तक ये इंक्रीज कर रहे हैं इसको स्वीप टाइम बोला जाता है कि हमारा वोल्टेज जितने लीनियरली जितने टाइम तक इंक्रीज कर रहा है तो यहां से यहां तक का जो टाइम होता है उसे टी एस दैट इज स्वीप टाइम के नाम से जानते हैं क्योंकि वो स्वीप स्वीप कराया लाइक like, इंक्रीज कर रहा है एंड आफ्टर दैट इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद हमारा टाइम डिक्रीज कर जाता है तो ये जो हमारा टाइम हुआ वो क्या है टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इनको रिट्रेसिंग टाइम बोला जाता है या फ्लाई बैक टाइम के नाम से जानते हैं तो द वोल्टेज ड्यूरिंग ईच साइकिल इंक्रीज लीनियरली विद टाइम एंड फॉल्स टू जीरो इन अटर टाइम तो जिस जितने टाइम में इंक्रीज करेंगे उससे शॉर्टर टाइम में ये वापस से आके जीरो हो जाते हैं और इस टाइम को क्या बोलते हैं रीट्रेसिंग और फ्लाई बैक टाइम तो ये हो गया टाइम बेस जनरेटर की आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये सर्किट या ये जो टाइम बेस सिग्नल है या स्वीप सिग्नल है वो क्या होते हैं तो इनको प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन कराने के लिए यूज किया जाता है अब फर्दर हम देखेंगे कि इनके कुछ एप्लीकेशन के बारे में या कुछ इनके यूजेस के बारे में तो जो हमारा सी है ये जो हमारा सीआरओ है उनमें अगर हम देखा देखें तो और भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में देखा उससे भी ज्यादा दैट इज फोकस का शार्पनेस का इंटेंसिटी बढ़ाने का है, अलग अलग फाइन करने का अलग अलग और भी छोटे छोटे पैनल्स इसमें लगे होते हैं तो ये क्या करते हैं जो भी हमारी वेब फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे उसको शार्प करने के लिए उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा फोकस करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे और भी हमारे आ, कह सकते हैं कि टर्मिनल्स लगे रहते हैं तो मेन कंपोनेंट्स जो था वो वही सारे थे जो हमने डिस्कस कर लिया अब इनके कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात किया जाए या कह सकते हैं कि इनके यूजेस के बारे में बात किया जाए तो मेनली इनको यूज किया जाता है टू मेजर एसी वोल्टेज एंड करेंट्स तो ये जो हमारा सीआरओ होता है अब कैसे हम मेजर कर लेते हैं वोल्टेज और करेंट क्योंकि जिस भी तरीके का वोल्टेज जा रहा है, मान लिया कि हमने एक एसी सिग्नल दिया एक एसी सिग्नल इस तरीके का हमने एज एन इनपुट दे दिया था अब ये हमारा एसी सिग्नल था अब इस ए सी सिग्नल का हम इजिली निकाल सकते हैं बाई कैलकुलेशन की वोल्टेज कितना होगा और करंट कितना होगा क्योंकि ये जो सिग्नल है सेम सिग्नल हमें इस स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे अलग अलग डिविजन्स बने होते हैं कुछ कुछ अम, मीटर लगे होते हैं स्केलिंग बनी होती है और उनको यूज करते हुए हम प्रॉपर मेजरमेंट कर सकते हैं प्रॉपर मेजरमेंट कर सकते हैं किसकी करंट की एंड वोल्टेजेस की, की. कि, कितना वोल्टेज एसी हमें मिल रहा है या सिग्नल की वैल्यूज तो ए सी डी सी दोनों ही मेजरमेंट्स हम कर सकते हैं वोल्टेज और करेंट्स की इस सियारो को यूज करते हुए क्योंकि हमें विजुअली दिख रहा है तो हम इजिली उसको मेजर कर लेते हैं फर्दर टू कंपेयर फ्रीक्वेंसीज एंड फेज ऑफ टू ए सी सिग्नल्स तो ए सी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज को भी ये मेजर कर लेता है फेज को भी मेजर कर लेता है फर्दर अगर हमें दो ए सी सिग्नल्स के फ्रीक्वेंसीज और फेज को अगर हमें क्या करना है अगर हमें उन्हें कंपेयर करना है तो ये कंपैरिजन भी कर लेता है क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे फेज कैलकुलेट कर लेंगे दो एसी सिग्नल्स का और जब हमने मेजरमेंट कर लिया मेजर कर लिया वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया तो इजीली हम कंपेयर तो कर ही सकते हैं तो इनके लिए भी इन्हें यूज किया जाता है हिस्टेरिस लूप जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं फिर वो मैगनेट्स हो गए फिर मैग्नेट्स हो गए उनके जो हिस्टेरिस लूप होते हैं उनको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं तो इस सीआरओ के साथ एक और डिवाइस लग जाती है अब जिस भी तरीके का वेब फॉर्म रहता है वो हमें स्क्रीन पे दिखता है तो मेनली जो हमारा सीआरओ है उन्हें एक वेब फॉर्म के विजुअल माल्या की हमारे पास कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया उससे क्या होगा साउंड वेव्स निकलेगी उनको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं और उनकी भी स्टडी कर सकते हैं एंड टू मेज़र टाइम इंटरवल्स तो टाइम पीरियड्स वगैरह हो गए फ्रीक्वेंसी हो गए अब कोई सिग्नल कितने से कितने टाइम तक मूव कर रहा है यहाँ पे से हम कैलकुलेट कर लेंगे और उससे देख लेंगे कि उनका टाइम पीरियड्स वगैरह क्या है तो इस तरीके से ये सब फर्दर इनके एप्लीकेशंस होते हैं कि किस तरीके से हम वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं क्या देखा कि स्टडी कर सकते हैं वेब फॉर्म्स वगैरह की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं फेज निकाल सकते हैं तो ये सारे जो है सीआरओ के एप्लीकेशन होते हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच